इमरान राज के ऊपर एफआईआर काटी हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है, समी इब्राहिम के ऊपर एफआईआर, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार हैं? ये वो लोग हैं जो सारी काम जानती है कि अपने जमीर का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस्लाहत के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है इससे ये रुकने नहीं लगा। हम सब के ऊपर एफआईआर काटी हुई है, मेरे ऊपर को 13-14 एफआईआर है, मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं, इससे कोई डरने नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। आज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं, मेरे उसने तनकीद की, मेरा मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की। जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मुजम्मत करता हूं, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, खौफ दिलवाया जा रहा है, मैं आज खास एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि उसने कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक कौम का सासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाहत हो जाए। तो जो उसे कल, और मैं दूसरा है आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलत फहमी में ना रहना। जो भी ये समझ रहा है वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी, और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज सहाफियों से हो रहा है, कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी मईशत, मुझे यह बताएं नौजवानों या जरा सुने पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो मईशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी मईशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब इन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी मईशत का हाल किया, आज हमारी मईशत नीचे और महंगाई ऊपर,